आप बिल्कुल राजेश, देखिए जिस तरीके से अभी हम पंजाब की ब्रेकिंग की बात कर रहे थे, हमारे साथ गगन मौजूद है जो कि पंजाब की राजनीति में गहरी पकड़ रखती है। गगन, आपको क्या लगता है जिस तरीके से अब यहाँ पर आपको बहुमत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, जैसे कि पंजाब मालवा माझा और दुआबा क्षेत्र तीन क्षेत्रों में बटा हुआ है और माझा क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है और उसमें सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज जो है एग्जिट पोल के जरिए भी सामने आए हैं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जो है इस वक्त जो है आगे बढ़ती हुई नजर आई है और एग्जिट पोल के हिसाब से ही अभी जो रुझान भी सामने शुरुआती रुझान है, हालांकि रिजल्ट आने में वक्त लगेगा लेकिन 12 बजे तक जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी ऐसी भी जानकारी मिल पा रही है। और कड़ा मुकाबला है, कई पार्टियां बनी पिछले कुछ समय के दौरान, काफ़ी कुछ समीकरण बदले बिगड़े हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिनको सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी, बीजेपी के साथ जाकर उन्होंने अपना हाथ मिलाया। इसके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी दो सीटों पर किस्मत उन्होंने आजमाई, एक सीट थी बरनाला की बदौड़, दूसरी चमकौर से। बदौड़ वो सीट है जो आम आदमी पार्टी का गढ़ मानी जाती है, पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पकड़ यहाँ की सीट से बनाई और कांग्रेस पार्टी ने यहीं से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को मैदान में उतारा। तो बदौड़ सीट जो है हॉट सीट है, चमकौर सैब सीट अगर बात की जाए तो दलित फेस के तौर पर सीएम चन्नी को यहाँ पर उतारा गया और ये भी हॉट सीट है, जीतना सीएम चन्नी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पिछले दिनों में हमने देखा कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर बात की जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से भी अपनी अलग से पार्टी बनाई गई, बीजेपी को साथ दिया गया, लेकिन बीजेपी को क्या इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये जानने वाली स्थिति होगी, क्योंकि पटियाला से फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे चल रहे हैं। अगर बात अमृतसर पूर्वी की जाए, हॉट सीट है विक्रम सिंह मजीठिया और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू एक दूसरे को जो है कांटे की टक्कर देते हुए नजर आते हैं। ये ऐसे नेता हैं, ऐसे सियासतदान रहे हैं जिन्होंने कभी हार देखी ही नहीं, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हैं या विक्रम मजीठिया हैं। और अमृतसर पूर्वी की सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, ये दोनों वही नेता हैं जिन्होंने कभी हार महसूस तो पंजाब की सियासत